हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश नागर आपका श्री अरविंद आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पाई समाज, और जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मेरा जो प्रीवियस लेक्चर डेडिकेटेड था वो था हड़प्पाई सभ्यता की अर्थव्यवस्था, और इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का परिचय और उसकी टाउन प्लानिंग, देन है उसकी अर्थव्यवस्था, और आज का जो लेक्चर समर्पित है वो है सोसाइटी को, समाज को। ओके, तो हम समाज में जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले अगेन सेम थिंग, आई विल ऑफर यू एन फॉर्मूला दैट कैन बी यूज एनीवेयर इन एनी पीरियड। सेम थिंग जैसे कि वो पजामा मैंने बताया था, एक पजामा उसको आप कैसे भी कहीं भी कभी भी रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, और वही मैं आपको पजामा प्रस्तुत करने वाला हूँ, उससे मिलता जुलता, लेकिन उसका कलर दूसरा है, यानी उसका कलर अर्थव्यवस्था था और इसका कलर समाज है। तो समाज को हम इस फॉर्मेट में लेंगे, कौन सा फॉर्मेट वो देखिए, उस समाज का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, वो मैट्रियार्कल है, मटेरियलिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा स्वभाव है, पीस लविंग है, देन है आपका क्लास, वहां पर कौन कौन सी क्लास उपस्थित है। देखिए, जब भी कोई समाज जितना जटिल होता जाता है वहां पर महिलाओं की दशा उतनी निम्नतर होती जाती है। ये आपको लगता होगा कि वो विमेन्स आर गेटिंग देयर राइट, बट नो दे आर नॉट, आपको लग सकता है, और आप मुझसे शायद मानक भी गिनवा दो, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो दशा है वो निम्नतर होती है। मैं समझा दूंगा, एक ट्राइबल समाज में महिलाओं की दशा देखो और एक जो विकसित समाज है उसमें देखो। देन है आपका क्लास, महिलाएं होंगी क्लास, क्लास जो समाज जितना जटिल रहेगा हमें उतनी क्लास डिस्कस करनी पड़ेगी। पहले सामान्य समाज था, ट्राइबल समाज था, वहां पर आपको दो तीन वर्ग होंगे, एक फॉलोअर्स और दूसरा ट्राइबल का लीडर, नेता, हीरो, ठीक है। लेकिन अब क्लास में आपको आपको मजदूर वर्ग मिल जाएगा, आपको अधिकारी वर्ग मिल जाएगा, पुरोहित वर्ग मिल जाएगा, आपको बहुत सारी क्लास मिल सकती हैं। फिर आपका जो अदर चीजें हैं समाज में हम डिस्कस करते हैं वो है मनोरंजन के साधन, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, खाने की आदतें क्या है, देन हम डिस्कस कर सकते हैं उनकी वियरिंग्स, रहन सहन और खान पान की बात हो रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम नेचर देख लेते हैं समाज का। देखिए, एक तो ये समाज है, हमें मैट्रियार्कल की झलक जरूर देता है, मात्र सत्तात्मक सत्तात्मक, लेकिन मैं इसको क्या कहूंगा कि अभी मात्र सत्तात्मक कहना बहुत जल्दी होगी, बट मैं ये कह दूं इसकी जगह कि ये इगेलिटेरियन है। क्या है? इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन यानी समता मूलक समाज है। देखिए, समता मूलक समाज में तीन चार आधार मिलते हैं समता मूलक समाज कहने के। पहली बात तो ये, अगर आपने नगर नियोजन पढ़ा है मेरा वो वाला लेक्चर, तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पर भले ही अधिकारी वर्ग है, भले ही पुरोहित वर्ग है, लेकिन बड़े स्तर पर उनके मकान और जो मध्यम वर्ग है उनके मकानों में काफी हद तक समानता देखी जा सकती है। अगर उनका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो सामान्य आदमी का 2 स्टोरी बिल्डिंग तो होगा ही। तो कहने का मतलब है कितनी ज्यादा समानता है। अरे एक आध दो घर होता तो ठीक है, मान लेता कि ठीक है यार, अपवाद है ये, ठीक है, अमीर वर्ग बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है या मध्यम वर्ग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर एक जैसे मकानों का पाया जाना यह बताता है कि समाज समतामूलक है। दूसरा, यहां पर जो संसाधन है वो बड़े स्तर पर फैले हुए हैं, यानी कि अगर एक सिटी होती पूरे संसाधनों का कंसंट्रेशन एक जगह होता तो हम कह सकते थे समतामूलक नहीं है, विभाजन है, लेकिन एक नहीं कम से कम 10-12 सिटी पाई गई है। सिटी यानी बड़े वर्ग यानी मध्यम वर्ग की ज्यादा उपस्थिति, मध्यम वर्ग जिनके पास पैसा, जिनके पास संसाधन, उनकी ज्यादा उपस्थिति मतलब समता मूलक की झलक देता है। और आगे बताऊंगा और क्या आधार है समता मूलक कहने के। देखिए, फिर ये समाज क्या है, मटेरियलिस्टिक। क्या है? मटेरियलिस्टिक यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भौतिकवादी, भौतिकवादी आई वुड से। देखिए, These people know very little about religion, और मैं कहूंगा they keep very little interest in religion. ये आज की तरह नहीं है कि 6 घंटे उन्होंने कहाँ निकाल दिए प्रार्थना में, बचे कितने आपके 18 घंटे, और 18 घंटे फिर सोते हो, फिर नहाते हो, खाते हो, तो 3-4 घंटे आपके मुश्किल से प्रोडक्टिव बनते हैं। तो ये लोग क्या थे, These people were not illogic, वो don't believe, you know, life after death वाला कॉन्सेप्ट में इतने ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, और होंगे तो कुछ अपवाद केस होंगे। इनका सीधा सा चरवाक का दर्शन फॉलो करते थे, हालांकि चरवाक बाद में आया। जिनको नहीं पता चरवाक का दर्शन क्या है, जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, भले ही ऋण लेकर घी पिएंगे। अब मुझे नहीं पता है ऋण लेकर घी पिया ना पिया, लेकिन इनका दर्शन, इनकी जो फिलॉसफी है वो
काफी हद तक चार्वाक के दर्शन के समीप है, क्योंकि एक तो हमको बहुत कई सारे मंदिर नहीं मिलते, प्रीस्ट क्लास की उपस्थिति के बावजूद भी उनके द्वारा जो संसाधन के अकुमुलेशन किए जाते हैं प्रीस्ट के द्वारा दान के रूप में, वो हमको देखने को नहीं मिलता। तो भौतिकवादी समाज है और धर्म और अध्यात्म का बहुत कम लेना देना है। ऐसा नहीं कि धर्म की बात नहीं करते थे, बिल्कुल धार्मिक हम डिस्कस करेंगे, बट ये भौतिकवादी झुकाव ही दिखाता है कि उन्होंने संसाधनों का यूज अपने फिजिकल भौतिक अपलिफ्टमेंट के लिए किया, अपनी अपनी भौतिक दशाओं को सुधारने के लिए किया, ना कि आध्यात्म धर्म कर्म में किया। तो क्या है आपका, एक तो समता मूलक समाज है, मटेरियलिस्टिक है, और तीसरा मैं कहूंगा पीस लविंग। पीस लविंग सोसाइटी, ठीक है, पीस लविंग सोसाइटी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पीस लविंग सोसाइटी है, ये आपका समाज जो है आपका शांति प्रिय है। देखिए, एक तो कोई बड़े युद्ध के एविडेंस नहीं मिले हैं जब तक कि आर्य नहीं आ गए, और आर्य की कहानी 1500 बीसी के आसपास, जिन्होंने थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी पढ़ी है मेरे साथ वो समझ जाएंगे। आर्य का आगमन हुआ 1500 बीसी के आसपास, और इनकी पिक्चर खत्म हो गई थी 1800 बीसी के आसपास। तो और इनके जो जो उनके जो हथियार मिले हैं वो ऑफेंसिव, यानी जो ऑफेंसिव क्या बोलेंगे उसको, जो आक्रामक हथियार हैं, इनके हथियार कौन से मिले, आक्रामक। देखिए, आक्रामक मिले इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंसक थे, आक्रामक हथियार का मिलना मतलब है कि ये डिफेंसिव ढाल, इनके ढाल नहीं मिला है, इनके पास ये कवच नहीं मिला है, इनका नहीं मिलना मतलब ये युद्ध में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। और जो आक्रामक हथियार मिले हैं उसका मतलब है कि ये पशुओं के शिकार करने के लिए आक्रामक हथियारों का प्रयोग करते थे, सुरक्षा दृष्टि से, खेतों की रक्षा करने के लिए। अगर आपने हमने देखा ना, यहाँ पर दुर्ग हुआ करते थे, दुर्ग के पास बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री हुआ करती थी। अरे जब श्रवण गया था मोहनजोदारो, तो उसने कितनी बड़ी बाउंड्री देखी थी मोहनजोदारो की, श्रवण, ऋतिक रोशन की बात हो रही है, ऋतिक रोशन जब गया था तो उसने कितनी बड़ी ऊंची दीवारें देखी थी मोहनजोदारो की। तो सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर अगर ऑफेंसिव वेपन मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, इट मीन्स दैट दोज वेपन वर फॉर यू नो प्रोटेक्ट इन इन टर्म्स ऑफ यू नो जो हंटिंग है, हंटिंग पर्पज से, और जानवरों को मारने के लिए था। और अगर डिफेंसिव मिलते हैं तो समझ लो ये युद्ध की तैयारी है। ओके, तो मोरल सोसाइटी कैसी है, पीस लविंग सोसाइटी है। तो समाज का नेचर पता लग गया, समता मूलक है और मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है और पीस लविंग है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, क्लास की। क्लास, देखिए यहां पर एक क्लास नहीं, कई सारे क्लास उपस्थित है। मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे समाज ट्राइबल स्तर से ऊपर जाएगा वैसे वैसे समाज जटिल होता जाएगा। मैंने आपको बताया समाज जटिल कैसे होते हैं, अगर आपने मेरे जो हिस्ट्री की समझ वाला वीडियो देखा होगा, इतिहास विषय की समझ विकसित करना, तो उसमें मैंने बताया कैसे आर्थिक संपन्नता जो इकोनॉमिक फैक्टर है सारे परिवर्तन की जड़ है, और सब सारे डायमेंशंस ही बदल देता है, वो भौतिक, वो जो वो राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सब परिवर्तन की जड़ इकोनॉमिक परिवर्तन है। तो जैसे जैसे तमाम जटिलता आती जाती है वहां पर अलग अलग क्लास बनती जाती है, और बनेगी भी क्यों नहीं। जैसे समाज में पैसा आता जाता है, जैसे समाज में संपत्ति आती जाती है, कोई स्वयं भू नेता आएगा वहां पर, ये कहेगा इन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो पैसा हम इनसे कैसे छीने। तो वो धर्म बनाएंगे, वो शासन बनाएंगे, वो राजनीति बनाएंगे, वो सिद्धांत देंगे और पैसा ऐंठने का तरीका बना लेंगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ एलाइटमेंट हो जाए, वो कहे कि हो ना हो मेरी सुरक्षा तो यही व्यक्ति करेगा, यही व्यक्ति जो मेरा उद्धार करेगा, तो मैं क्या करूं, अपने अपने स्तर से मेरी इनकम का एक पार्ट इनको देता हूं मेरी सुरक्षा के लिए, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो वो संसाधनों का इकट्ठा कैसे करेंगे, संसाधनों का इकट्ठा कैसे करेंगे, दो तरीके से, एक तो प्यार से, धर्म, ओ सॉरी, धर्म बिल्कुल स्वेच्छा से, और दूसरा मार से, तलवार से। दो ही तरीके से हो सकता है, और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि समाज में आ गई जटिलता, और जितना जटिल समाज होगा उसमें उतना ही स्तरीकरण होगा, क्या होगा, उतना ही स्तरीकरण। तो हम बात कर लेते हैं समाज की, अब बात करते हैं किसकी, क्लास की। तो क्लास में कौन कौन से वर्ग आ गए थे, तो क्लास में जो वर्ग है वो है क्या, वो है आपका कृषक समुदाय। इतनी बड़ी सभ्यता है, और आरंभिक हड़प्पा एज में ही हमने कृषि पर इनकी कमांड हमने देख ली थी, तो ये क्या हो गया इनका, ये हो गया कृषक समुदाय उपस्थित है।
और मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, बलूचिस्तान, वहां तक उन्होंने ट्रेड कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर आपका जो है पीजेंट क्लास, पीजेंट, ठीक है, और वहां कहां कहां तक व्यापार कर लिया उन्होंने, तो वहां पर मर्चेंट क्लास यानी व्यापारी है, किसान हो गए, व्यापारी हो गए। और जब सिटी बनी, तो मैंने कैसे बताया, सिटी का डेवलपमेंट हुआ था उसमें क्राफ्ट का, शिल्पों का बहुत बड़ा योगदान था। तो यहां पर आर्टिशियन, आर्टिशियन यानी शिल्पकार, शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकारों की उपस्थिति है। और इतना बड़ा समाज है तो यहां पर जो कारीगर हैं वो भी होंगे, कारपेंटर। अरे यार कारपेंटर, आप देखो ना, मैं कारपेंटर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनके घरों में जो शहतीर है, जो लकड़ी के जो स्तंभ हैं, वो लकड़ी के थे, और उसके बनाने के लिए कोई कारीगर तो होगा ना। तो कारीगर की बात हो गई, बड़े स्तर पर यहां पर हमको क्या मिला, वो मिले मृद भांड। तो कुम्हार को क्या बोलते हैं, आई एम मिसिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में कुम्हार को, तो मैं बोल सकता हूं पोटरी। ठीक है, जो पोटरी बनाने वाले कुम्हार, तो उनकी बात हो रही है। देन पोटरी के अलावा भी जो मूर्तिकार है, ठीक है, जो मूर्ति बनाते हैं, स्कल्पचर, ठीक है, तो स्कल्पचर को हम भी, उस जो स्कल्पचर है उनकी बात हो रही है। तो इसके आर्टिशियन है, तो इस मूर्ति, मूर्तिकार, मूर्तिकार हो गए आपका, कुम्हार हो गए, दस्तकार हो गए, कारपेंटर हो गए, शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, पीजेंट हो गए, प्रीस्ट क्लास। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वैदिक सभ्यता है या आज का समाज है, जैसे प्रीस्ट वैसे प्रीस्ट होंगे, लेकिन जो कुछ, जैसे कि कुछ धार्मिक एविडेंस मिले हैं, वृक्ष की पूजा, तो बैल की पूजा, या आपका जो प्रजनन अंग है, योनि, लिंग की पूजा, और जो भूमि की पूजा, और बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथ, जो मोहन जोदाड़ों से मिला है, तो ये सब, इन चीजों को देखकर कुछ ना कुछ ऐसे एजम्पशन लगाए जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रीस्ट क्लास रही होगी। देन है आपका जो एलीट क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिसर, ऑफिसर, ठीक है, अधिकारी वर्ग की उपस्थिति। इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसको कोई तो मैनेज करने वाला होगा। अरे कोई तो होगा जो संसाधनों को उस कोने से लाकर इस कोने पर इकट्ठा करता होगा, जो संसाधनों को इकट्ठा करने के साथ टैक्सेशन भी करता होगा। जब तक एक प्रॉपर अधिकारी वर्ग नहीं होगा, इतनी बड़ी सभ्यता का 500 सालों तक बिना किसी परिवर्तन के चलना बहुत मुश्किल है। तो अधिकारी वर्ग की उपस्थिति भी है। तो हमने क्लास देख ली, और मैंने बताया जो समाज जितना जटिल होगा, जो ट्राइबल समाज से जटिलता यानी बाबत पैसे संपन्नता की स्थिति आएगी, समाज का स्तरीकरण होगा, पैसे के साथ पैसे की खींचतानी होगी, समाज जटिलता आएगी, उतने ही ज्यादा वर्ग आते जाएंगे, जैसे कि हम आज के समाज में हम देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर क्लास की उपस्थिति हो गई। व्हेन इट कम्स टू वुमेन, हम उसकी बात कर लेते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, आप फिर देख लीजिए, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, लकड़ी का काम करता है, देन कुम्हार, मूर्तिकार, ठीक है, और फिर आपके प्रीस्ट क्लास यानी पुरोहित और अधिकारी वर्ग, ये हो गया। और इधर आपने इगलिटेरियन देख ली, मटेरियलिस्टिक देख ली, और क्या देखा था आपने, पीस लविंग सोसाइटी, क्योंकि ऐसे कोई हथियार नहीं पाए गए जिससे हम कह सकते, ये कह सके कि ये सभ्यता जो है लड़ाकू है। ठीक है, मैं लड़ाकू की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों को देखकर आपको लगा ये समाज तो नालायक है, बिल्कुल कितना लड़ाकू समाज है, लेकिन कुछ समाजों को देखकर अपन लगता है यार ये व्यक्ति तो, मतलब इनको चार चाटे मार लो, अरे गांधी यहीं पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध यहीं पैदा हुए हैं, इन्हीं की उपस्थिति। ओके, तो हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, वुमन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूर्णतः मात्र सत्तात्मक था, क्या बोलते हैं इसको, मात्र सत्तात्मक या मेट्रियार्कल, क्या बोलते हैं, मेट्रियार्कल। और मेट्रियार्कल बोलने के लोग कारण भी देते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर जो मूर्तियां हैं, जो मृण मूर्तियां और टेराकोटा और जो कांसे की मूर्तियां हैं, बड़े स्तर पर पाई गई हैं, महिलाओं को समर्पित हैं। फिर क्या है कि एक जगह जब पृथ्वी की पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो एक महिला के पेट से, गर्भ से एक पेड़ निकलते हुए दर्शाया गया है, तो उसको पृथ्वी देवी के रूप में पूजा गया है, लेकिन दर्शाने का तरीका, माध्यम जो है महिलाएं हैं, फिर एक नर्तकी है। तो कई चीजें जो है वो दिखाती है कि ये मात्रसत्तात्मक है, लेकिन लिपि अभी भी नहीं पढ़ी गई है, तो मात्रसत्तात्मक कहना थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता होगा, ठीक है, विमन आर रेस्पेक्टेड, महिलाओं को सम्मान दिया जाता होगा, रेस्पेक्ट की जाती होगी, क्योंकि ऐसे एविडेंस भी नहीं मिले जिनसे महिलाओं का जो डिग्रेडेशन है या अपमानजनक कोई चीज मिले, ऐसी भी नहीं दिखाई गई है इसमें।
फिर यहाँ पर कुछ महिलाओं को ना, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की अवस्था भी थी, मतलब उन दिनों में प्रोस्टिट्यूशन चलता था। तो प्रोस्टिट्यूशन को आप ये मत कहो कि महिलाओं की दशा निम्न है, देखो इनसे वेश्यावृत्ति कराया जा रहा है। आप उसको इस तरीके से लो कि वुमन हैव अ चांस और हैव अपॉर्चुनिटी, और उनके पास विकल्प है अपनी जीविका चलाने का। वो कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे हमको, या हमको सोचना चाहिए। इट्स हर चॉइस, ऑफकोर्स आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो वहां पर प्रोस्टिट्यूशन भी था, प्रथा ही कोई मतलब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं वर गिवन रेस्पेक्ट, बट मैट्रियार्कल कहना कुछ जल्दी होगा। देन हम बात करते हैं किसकी, अम्यूजमेंट की। देखिए अम्यूजमेंट की, अगर आपने देखा होगा ये रीजन कहाँ पर है, ये रीजन है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और ये जो उत्तर पश्चिम रीजन क्षेत्र है, यहाँ पर पशु पक्षियों की लड़ाई आज भी आम है। सेम आपने तेरे बिन लादेन मूवी देखी, उसमें जो नकली लादेन रहता है उसका डुप्लीकेट, वो मुर्गों की लड़ाई करवाता है। तो पशु पक्षियों की लड़ाई यहाँ पर काफी कॉमन थी, ठीक है। और यहाँ पर पशु पक्षियों की लड़ाई के अलावा जो जो एंटरटेनमेंट के सोर्स है वो आपका डांस है, डांस, ठीक है, एनिमल एंड बर्ड फाइट, ठीक है। डांस हम कैसे बता रहे हैं, जो एक कांसे की प्रतिमा मिली है उसमें महिलाएं नाचते हुई है। तो अगर डांस कर रही है तो बिना म्यूजिक के कैसे डांस करेगी यार वो, कोई तो टिंग टुंग टांग करता होगा तभी डांस करती है। बिना म्यूजिक के कैसे कोई डांस कर सकता है, क्या म्यूट पर डांस होनी करेगी, ठीक है। डांस करने के लिए म्यूजिक की जो ट्यून है वो होनी चाहिए, और वो होगी। तो हम एजम्पशन, ये एजम्पशन है, तो हम कह सकते हैं म्यूजिक भी वहां पर रहा होगा। तो बर्ड ये क्या करते हैं, पशु पक्षियों की लड़ाई करते हैं, डांस करते हैं, और म्यूजिक वगैरह इनके मेजर सोर्स है किसके, इंटरटेनमेंट के। इसके अलावा हम ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं। देखिए अगर आपने मेरे अर्थव्यवस्था का चैप्टर पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था का जो लेक्चर सुना होगा, तो मैंने क्या बताया, जहां पर जौ, कपास, गेहूं, कपास नहीं, जौ, राइस, गेहूं, खजूर, तिल, दालें वगैरह, ये इनके ईटिंग हैबिट्स के पार्ट्स है। तो मैं कहूंगा विथ रेगुलर फूड, रेगुलर फूड ये मांस का कंजम्पशन भी करते थे, मीट, मीट का कंजम्पशन भी करते थे। तो जो जो आपका मांस है इनका, वो इनकी फूड हैबिट्स का हिस्सा था। और मैं आपको यही बता दूं, इन्होंने दूध के लिए जानवर को पाला हो ऐसे कम ही एविडेंस है। प्राइमरी हमको दिखता है कि इन्होंने मांस के लिए ही जानवर को पाला। शीप और गोट जो वगैरह जानवर है मेनली किसके लिए यूज होते थे, मांस के लिए। तो क्या हुआ आप, ये क्या है आपका, ईटिंग हैबिट्स हो गई। देन है आपका क्या, वियरिंग्स, रहन सहन, जो रहन सहन है या उनके कपड़े क्या पहनते थे। तो मैं बता दूं मोस्टली ये कपड़े कॉटन के पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे। सूती कपड़े पहन के साथ उनके जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण थे, वो आपके गोल्ड के, सिल्वर के भी हुआ करते थे। इसके अलावा जो मेन आभूषण थे वो कांसे के, ब्रॉन्ज के, क्योंकि सभ्यता ही कौन सी है, कांच युगीन सभ्यता है। तांबे के भी वियर, तांबे के भी यूं इनके आभूषण हो करते थे, कॉपर के, ठीक है। इनको वीड्स, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। तो वियरिंग्स में क्या, ये ओढ़ना क्या, एक तो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आपकी हम बोल सकते हैं कि जो मेनली ज्वेलरी वो ब्रॉन्ज की थी, ब्रोंज की। स्टोन्स भी ये पहनते थे, वो नीलम, आपको पता होगा सेफायर, नीलम और लाजवर्द मणि जो सेंट्रल एशिया से मंगवाते थे। देन हम बोल सकते हैं वो एक और स्टोन रहता था, बीट्स, जो सेल खड़ी का बनता था, बीट्स जिनके मन के बनाए जाते थे। इसके अलावा शेल यानी सीप, शेल की बात कर रहे हैं यानी सीप। और एक और है आपका कॉन्च, शंख, कॉन्च, शेल, बीट्स, और ऑफ कोर्स हरे कांच की चूड़ियां, कालीबंगन से चूड़ियां मिली है बड़े स्तर पर, उनको बैंगल्स, बैंगल्स। तो चूड़ियां हो गई, मन के हो गए, मन के जिनका नेकलेस बनाकर गले पहना जाता था, मनको का, ठीक है। तो मन के हो गए, तो कई सारी चीजें हैं जो आभूषण के रूप में पहनते थे। और यहाँ पर हम कॉटन को देख सकते हैं, वो इनका उनका पहनने का वस्त्र हुआ करता था। तो देयर आर नॉट मेनी ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट दे यूज टू वियर। तो अगर आपको समाज में देखना है, तुमने किसकी बात की, समाज का नेचर देख लिया, क्लास की बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली, अम्यूजमेंट,
ईटिंग हैबिट्स देन वियरिंग्स रहन सहन खान पान की बात कर ली, तो दीज ऑल वर द पार्ट ऑफ सोसाइटी और इन्हीं के आधार पर हम सोसाइटी को लिखते हैं। अगर इनमें कुछ चेंजेस होता है तो हम आगे फर्दर काल में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ फिर लिख देंगे। और ये फॉर्मेट वही है जो आप हर काल में हर समय कहीं भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, बट आपको वही वही पजामा है, बट आपको रबर बैंड चेंज करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। सो दिस वॉज द सोसाइटी एंड मैं यहाँ पर मेरे लेक्चर को कंक्लूड करूंगा।